हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अबाउट ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है आर्टिकल और मेनी मेनी फंडामेंटल थिंग्स आर देयर। टॉपिक का नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिट का मतलब तो समझ में आता है सबको, है ना? तो लिखेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। और थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे, द वेलोसिटी विथ व्हिच ध्यान रहे मैं लिखा वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं लिखा। एस्केप वेलोसिटी लिखते वक्त मिनिमम वेलोसिटी लिखता था। अगर एस्केप वेलोसिटी के डेफिनेशन में मिनिमम वाला वर्ड मिसिंग है जीरो मिलेगा। जबरदस्त यहां पर मिनिमम मैक्सिमम घुसेड़ दिए, जीरो मिलेगा। ध्यान रखना, द वेलोसिटी विथ व्हिच ए पार्टिकल मस्ट बी प्रोजेक्टेड और मस्ट बी थ्रोन इन एन ऑर्बिट सच दैट इट कीप्स रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, क्या वेलोसिटी में एक पार्टिकल को किसी एक ऑर्बिट में फेंक देंगे कि वो घूमते रहेगा इट नेवर फॉल। मैंने प्रैक्टिकली बताया था कि अगर हम सोचें जस्ट समझने के लिए, सपोज आई से दिस इज व्हाट इज द प्लैनेट। यहां से अगर आप कोई चीज को ऐसे फेंकते हो, थिंक ऑफ ए स्मॉल प्रोजेक्टाइल मोशन, वो ऐसे जाएगा, ऐसे गिरेगा। अगर थोड़ा और ऐसा फेंकते हो सकता है कि ऐसे गिरेगा। अगर आप कुछ ऐसे फेंक दिए तो फिर वो तो गिरते रहेगा, लेकिन गिरने के साथ साथ आर्थ भी तो बेंड हो रहा है और ये कंटिन्यूअसली गिरने की कोशिश कर रहा है और साथ साथ आर्थ भी बेंड हो रहा है। हो सकता है कि द पार्टिकल किप्स मूविंग एंड ड्यूरिंग दिस मोशन इट इज कंटिन्यूअसली इन ए फॉल, कंटिन्यूअसली ये गिर रहा है कि नहीं? क्या कहेंगे, द पार्टिकल इज अंडर फ्री फॉल, ये फ्री फॉल में है। एनीवे, वो जो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी में ये अभी चल रहा है यहां पर, उसको हम कहेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। नॉट दैट द वेलोसिटी विथ व्हिच इट इज प्रोजेक्टेड हियर, यहां से कितने वेलोसिटी से फेंके इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं कहते हैं। जिस वेलोसिटी में ये घूम रहा है, क्योंकि इतना दूर जाएगा तो देयर विल बी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, तो यहां पर कुछ दूसरा वेलोसिटी होगा, उसी वेलोसिटी में वो चलते रह जाएगा। समझ में आया? अच्छा, तो ये जो चीज हमें थोड़ा सा हाइपोथेटिकली समझ में आया उसको हम कैसे लिखेंगे। अगर हमें पता चला कि दिस इज व्हाट इज ए प्लैनेट और इसका मास एम है और इसका रेडियस आर है, और सपोज कोई एक पार्टिकल ये प्लैनेट की चारों तरफ घूम रहा है, ऐसे ये घूम रहा है, ऐसे एक ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। आगे चल के आपको और भी हैरानी होगा, ऑर्बिट्स जो है वो सर्कुलर होंगे कोई जरूरी नहीं है, ऑर्बिट्स में भी एलिप्टिकल इन शेप आल्सो, है ना? खैर, तो ये घूम रहा है, जब वो घूम रहा है यहां पर अस्यूमिंग सर्कुलर ऑर्बिट, जो वेलोसिटी में घूम रहा है उसको हम कहेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ये जो ऑर्बिट में भी घूम रहा है, मान लेते हैं कि उस ऑर्बिट का रेडियस है आर, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज आर। अब ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, क्या बता सकते हो सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है? हु इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? ऑब्वियसली द ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे पता चला? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो इधर को कौन सा फोर्स है? इसका अट्रैक्शन।
जो पार्टिकल घूम रहा है अगर इसको हम मास, उसका मास को m कहेंगे, इफ, और हम लिखेंगे इसे हियर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटी, अगर हम कहेंगे एम इज मास ऑफ पार्टिकल एंड कैपिटल एम, यू मस्ट डिस्क्रिमिनेट मास ऑफ प्लैनेट, तो आप क्या कहोगे, इधर को जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही तो है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, आर क्या है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, कैपिटल आर क्या है रेडियस ऑफ द प्लैनेट, आर इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कैपिटल आर क्या है रेडियस ऑफ प्लैनेट, अगर ये बात है तो देखो तो हम कहेंगे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वेयर बाई आर, दैट इज नथिंग बट जी एम एम बाई आर स्क्वेयर, पहली नजर में ही समझ में आ गया कि कैपिटल आर का कोई रोल नहीं है, नथिंग टू डू विद द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, है कि नहीं, रेडियस ऑफ प्लैनेट के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं, एम भी कैंसल हो गया, मास ऑफ द प्लैनेट के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब वी स्क्वेयर और वी इज रूट ओवर ऑफ जी एम बाय आर, सो किसी एक प्लैनेट जिसका मास एम है उसकी ऑर्बिट जिसका रेडियस आर है, कोई चीज को अगर फेंकना है ताकि वो घूमते रह जाएगा तो क्या वेलोसिटी चाहिए, रूट ओवर ऑफ जी एम बाय आर, और इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, तो लेट अस डेजिग्नेट वीओ, वीओ हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब यहां से ढेर सारी चीजें सामने आने लगेंगे, क्या बता सकते हो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा कैसे निकालेंगे, वी नॉट बाय स्मॉल आर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, कितना है ये, कितना है, वी नॉट बाय स्मॉल आर करो तो इट इज कमिंग जी एम बाय, ये जो रूट ओवर ऑफ जी एम बाई आर था ये आर को अंदर ले लो, ठीक है आप एक आर अंदर ले लो, अंदर ले लोगे तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, आई होप यू आर एबल टू फॉलो इट, नहीं हाँ ये आर क्यूब हो जाएगा जी एम बाई आर क्यूब, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिट इज दिस, अगर हमें कोई पूछेगा व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट सैटेलाइट और टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब एक बार घूम के आने के लिए कितना समय लगेगा, ये तो 2 पाई बाय ओमेगा होता है ना, सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़े थे 2 पाई बाय ओमेगा होता है, वैल्यू डालो तो क्या आ रहा है, ये इट इज कमिंग आउट टू बी 2 पाई रूट ओवर ऑफ आर क्यू बाय जी एम, ये क्या है द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, जिसको हम टी से डिनोट करेंगे, टी इज टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट, ये दोनों रिलेशन को देखो, इससे एक चीज समझ में आ रहा है कि जो टी स्क्वायर है वो क्या होगा, देखो तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, क्योंकि कैपिटल जी कैपिटल एम एवरीथिंग सेम है, ध्यान रहे जब तक m कैपिटल m इज ए कांस्टेंट, g तो ऐसे ही कांस्टेंट है, कैपिटल g ऐसे ही कांस्टेंट है, तो t स्क्वायर करेंगे तो इधर रूट ओवर साइन हट जाएगा, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट फॉर ए पर्टिकुलर प्लैनेट, कोई दूसरा प्लैनेट का, एक प्लैनेट का सैटेलाइट दूसरे प्लैनेट का सैटेलाइट का टाइम पीरियड का रिलेशन ऐसे रिलेटेड नहीं होगा, वो m के ऊपर भी डिपेंड करता है, फॉर ए पर्टिकुलर प्लैनेट इफ डिफरेंट पार्टिकल्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट, सबका डिस्टेंस अलग अलग होगा, सबका डिस्टेंस अलग अलग है तो हर एक का टाइम पीरियड का स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये मैं इसलिए एम्फेसिस दे रहा हूँ, बाद में हम लोग केपलर्स लॉ पढ़ेंगे सिमिलर थिंग डेवलप करेंगे और वहां पे हमें एक क्वेश्चन आता है स्कूल लेवल में वेरीफाई केपलर्स लॉ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो हमें ऐसे करके डिराइव करना पड़ेगा और प्रूफ करना पड़ेगा कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है, एनीवे जो आपको इसमें समझ में आया बस उसको थोड़ा काम में लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी सम क्वेश्चन, वन क्वेश्चन ओनली ऑन दिस,
टू प्लैनेट्स, हाँ टू सैटेलाइट्स क्या सैटेलाइट का स्पेलिंग सही है? डबल टी होता है, डबल एल होता है। अरे यार गलत होगा तो मेरे को बदला मत मत कर देना, डबल एल होता है। कोई बोल रहा है चेक करो और बोलो। टू सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। हमें बच्चों से काफी चीजें सीखने मिलता है। मैं हर दम बड़ा कंफ्यूज होता था, अराउंड में एक आ रही थी दो है, सराउंड में एक आ रही थी दो है। एक लड़की थी, मैं उसका नाम याद नहीं रखा हूँ, मेरे को बोला सर मैं सिखाऊंगा आप सीखिएगा। हाँ तो बोला कि अराउंड मतलब ए, ए मतलब एक, एक होता है मतलब एक आर होगा, बाकी सराउंड में तो दो होता ही है। हाँ मैं लड़की अभी याद है 2000 कभी काफी पहले बोली थी वो। तो अराउंड लिखते वक्त तुरंत वो लड़की मेरे दिमाग में आती है, उसका फेस हमको दिखता है। अभी जो बोला है डबल एल उसका भी फेस में याद रखूंगा, अगर स्पेलिंग गलत होगा तो पकड़ूंगा बाद में पकड़। ठीक है, क्योंकि हम फिजिक्स टीचर से ना, हम लोग इंग्लिश इंग्लिश में इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। टू सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट्स फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ आर 2.5 आर एंड 6 आर वेयर आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। फाइंड रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स, उनका टाइम पीरियड का रेशियो बताओ। कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर बच्चे हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं। ध्यान से देखना, समय की कमी है और आप लोग स्लोली स्लोली यहां देख रहे हो, तो आप कहोगे कि ये है कोई प्लैनेट जिसका रेडियस है आर। इसका रेडियस कितना है? रेडियस है आर। बोल रहा है कि सरफेस से 2.5 आर डिस्टेंस में और सरफेस से 6 आर डिस्टेंस में दो पार्टिकल घूम रहे हैं। ये है, ये 2.5 आर में घूम रहा है। क्या आप बता सकते हो हियर व्हाट इज आर वन रेडियस ऑफ द ऑर्बिट? पहले वाले का रेडियस कितना है? 3.5 आर। इट इज 3.5 आर। और दूसरे वाले का रेडियस 7 आर। बढ़िया है, खत्म। तो अब T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब बाय R2 क्यूब। तो ये हो गया 3.5 आर बाय 7 आर का क्यूब इज 1/8, है कि नहीं? ये RR कैंसिल हो गया, दिस इज 1/2, 1/2 का क्यूब इज 1/8। और अगर हम रेशियो निकालेंगे तो T1 बाय T2 निकालेंगे तो क्या आएगा, क्या मिलेगा यहां से? T1 बाय T2 निकाले तो सो T1 बाय T2 इज 1/8 का रूट ऑफ दैट इज 1/2 √2। क्या मेरी बात समझ में आया? अच्छा चलिए, कितना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पॉइंट, अब कोई सैटेलाइट घूम रहा है, पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन ऑर्बिट कितना होगा? हाफ मास ऑफ द सैटेलाइट इनटू ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, याद रखना। और मैं आपको एक गहरा चीज बताता हूं, यहां पे प्लैनेटरी मोशन और इलेक्ट्रॉनिक मोशन दोनों बराबर है। हमारे स्क्रिप्चर में ना लिखे हैं कि जो ब्रह्मांड में होता है वो कण कण में होता है। एंड टू योर सरप्राइज, एक न्यूट्रॉन को तोड़ो, तोड़े नहीं आज तक, तोड़ो तो उसके अंदर भी वही सब होता है जो एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एक एटम के साथ होता है। कितने पहलवान लोग थे, सोचो। व्हाटएवर इज द मोशन एनालिसिस
अर्थ अराउंड सन, सेम इज द मोशन एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। जितने सारे थ्योरी आप आर्ट स्ट्रक्चर में पढ़ते हो 100% देयर एप्लीकेबल टू दिस प्लैनेटरी सिस्टम आल्सो 100%, क्योंकि यहाँ वहाँ पर जो फोर्स होता है घुमाने वाला वो कूलम्बिक फोर्स होता है K1Q2R2, यहाँ पर GM1M2R2, थिंग्स आर सेम, रूल्स आर सेम। खैर देख लो ये चीजों को वहां पर भी आप ट्रांसलेट कर सकोगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया इन द ऑर्बिट हाफ एम वी जीरो स्क्वायर, और अभी तक आपको वी जीरो का वैल्यू याद नहीं होगा लेकिन मुझे याद है क्या था वो GM/R स्क्वायर कर दिए तो रूट ओवर हट गया, सो इट इज कमिंग आउट टू बी GMm/2R। चलिए इसको हम कहेंगे के, मान लेते हैं के। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भाई, मास इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल इन द ऑर्बिट नहीं, भी क्या है पोटेंशियल इन द ऑर्बिट, भी क्या है पोटेंशियल इन द ऑर्बिट, लिखे थोड़ा इसको, हमारे बच्चे भूल भाल के आते हैं क्लास में याद नहीं रखते हैं। भी क्या है, भी इज पोटेंशियल एट ऑर्बिट। अच्छा ऑर्बिट में अगर ये अर्थ है, अर्थ का मान लो कि ये सैटेलाइट किसी एक रेडियस आर में घूम रहा है, इस पॉइंट में पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ये मास m है, कोई एक स्फेरिकल मास का सेंटर से r डिस्टेंस में पोटेंशियल होता है माइनस, यस देखा, माइनस GM/R है ना, ठीक है। तो क्या बन गया ये, इट इज m इनटू माइनस GM/R, थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो माइनस GMm/R, बढ़िया। लेकिन थोड़ा इन दोनों को देखो तो काइनेटिक एनर्जी था GMm/2R, पोटेंशियल एनर्जी GMm/R, व्हाट यू से दिस इज सेम एज माइनस टू के, सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, काइनेटिक एनर्जी अगर के होगा पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस टू के, है ना। खैर अभी तो हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में बात करें, कूलम के बारे में बात करेंगे तो न्यूटन बुरा मान जाएंगे। चलिए अब इसको हम समझते हैं, ये माइनस टू के हुआ, ये जो माइनस टू के हुआ इसे क्या पता चला, पता ये चला कि टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज माइनस के, समझ में आ रहा है क्या, ये चीज को याद रखना, क्या याद रखना है, जब कोई पार्टिकल किसी एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, और पहले भी मैं बता चुका हूं कि ऑर्बिट इज नॉट नेसेसरी सर्कुलर, एलिप्टिकल होता है लेकिन हम लोग सर्कुलर ऑर्बिट लेके करते हैं, जबकि जेई एडवांस वगैरह में एलिप्टिकल ऑर्बिट के भी रिलेटेड चीजें आते हैं, अभी आप एलिप्स के बारे में ज्यादा नहीं पढ़े हो तो उसका रिलेटेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एनीवे अगर हम कहेंगे फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट ऐसे कहो, अराउंड अर्थ इज 10^5 जूल्स, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, मैं ऐसे पोटेंशियल एनर्जी लिखते वक्त ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ क्यों लिखा, खाली पोटेंशियल एनर्जी में पूछ सकता था। अगर ये कोई सैटेलाइट है जो अर्थ की चारों तरफ घूम रहा है, क्या इसका अपना कुछ पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, फॉरेन आइसोलेटेड सिस्टम है कि नहीं, वो भी कुछ है और इसके लिए कुछ है, तो उसके वाले को छोड़ो, आइसोलेटेड सिस्टम का जो एनर्जी है उसको छोड़ो, खाली इसके लिए उसके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे हम बोले थे कोई एक हॉलो स्फीयर का मास m है रेडियस r है, उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है GM^2R, इसे हम लोग पढ़े थे नहीं। अगर वैसा हॉलो स्फीयर घूम रहा है तो उसके पास क्या एनर्जी होगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड के चलते कुछ एनर्जी है प्लस अपना है,
अपने वाले को नहीं पूछ रहे, क्या पूछ रहे, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ उसका पोटेंशियल कितना होगा, आंसर हो जाएगा सो सिंपल, आंसर इज पोटेंशियल एनर्जी इज हाउ मच, इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस 2 × 10⁵ जूल्स। समझ में आया क्या? टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस इन रेशियो 2:3 आर मूविंग इन सेम ऑर्बिट अराउंड अर्थ, व्हाट इज रेशियो ऑफ देयर ऑर्बिटल वेलोसिटीज, रेशियो ऑफ देयर ऑर्बिटल वेलोसिटीज। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, आप जानते हो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी उसका फॉर्मूला क्या था, इट वाज जी एम बाय आर का रूट ओवर, इसमें जो एम था वो पार्टिकल का मास था कि प्लैनेट का, प्लैनेट का मास था, मतलब ये पार्टिकल का मास है इसका कोई मतलब ही नहीं है, सो इट इज सेम फॉर बोथ, दोनों के लिए बराबर होगा ये, क्योंकि मास ऑफ दी पार्टिकल सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो आप कहोगे वी जीरो इज सेम फॉर बोथ, है कि नहीं, अक्सर गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि यहां पर एक एम है तो उसको देख के गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए इसको दिया। एनीवे लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट, ये था हमारा रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, फिर हम देखेंगे अभी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी देखिए पॉइंट नंबर 4। अभी कोई सैटेलाइट चल रहा है और अभी हमारे वो काम की नहीं है, ठीक है, हम चाहते हैं उसको भगा दें। हम लोग जब काफी छोटे थे तब तुम लोगों का उम्र कुछ 60-70 साल हुआ होगा, बूढ़े हो गए उसके बाद मेरे फिर पैदा हुए, मतलब जब मैं क्लास 5-6 में था उसकी बात बोल रहा हूँ, तुम लोग तो पैदा नहीं हुए थे, तब मम्मी पापा पैदा हो रहे थे शायद, वी वर ऑन द प्रोसेस, तो ऐसे था एक स्काई लैब करके था, स्काई लैब, स्काई लेबोरेटरी, वो 1969 में पहली बार हम लोग मून पे गए, उस साल में पैदा हुआ था धरती पे, ये मत सोचो कि मून से लेके आया डाउनलोड धरती पे ही पैदा हुआ था, एनीवे तो स्काई लैब था, वो क्या था, इट वाज ए रोटेटिंग लेबोरेटरी अराउंड अर्थ, ये लोग जाते थे वहां पर रह के कुछ करके फिर वहां से निकलते थे इंटरमीडिएट पोजिशन में, समझ में आ रहा, वो किसी कारण से मिस कर गया अपना ऑर्बिट, ऑर्बिट अगर मिस कर जाएगा तो क्या होगा, गिरेगा। अब सोचो ये है अर्थ और कोई चीज ऐसे घूम रहा था वो मिस कर गया वो आने लगा तो कैसे आएगा, सीधे तो नहीं गिर जाएगा ना, ऐसे घूम घूम जाएगा, घूम घूम के घूम घूम के घूम, कहाँ गिरा कुछ ठिकाना है क्या, अरे पूरा छुट्टी हो गया हर स्कूल वो सब 3-4 दिन के लिए, नेट पे ढूंढो स्काई लैब क्या, हाँ तो 3-4 दिन स्कूल छुट्टी हो, कहाँ पर गिरा कुछ ठिकाना नहीं, और तब टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा नहीं था कि उसको कुछ किया जाए, फिर काफी साइंटिस्ट लगे सारे देश की पूरा वर्ल्ड के साइंटिस्ट लगे, क्योंकि हो सकता है कि व्हाइट हाउस के ऊपर ही गिर जाए कुछ ठिकाना नहीं, काफी बड़ा था वो, और उसको डिस्ट्रॉय किया गया, मेजोरिटी पार्ट अर्थ, वी आर लकी कि ओनली 29% अर्थ इंडस्ट्री सी, पानी में गिरने का ज्यादा चांस है उसमें गिर गया, ऑस्ट्रेलिया में कुछ गिरा 2-4 कंगारू मरे बस कोई मरा नहीं, ठीक है, तो ऐसा तो कोई सैटेलाइट अगर घूम रहा है हमारे चारों तरफ तो हम चाहते हैं कि वो स्काई लैब हमारा किसी काम नहीं, उसको वहां से भगाए, लाने की कोई जरूरत नहीं, भगाना है ऑलरेडी दूर है और वहां से भगा तो भाग जाएगा, मतलब उसको वहां से एस्केप करवाना है, कोई सैटेलाइट को अगर अपना ऑर्बिट से एस्केप करवाना है तो क्या करेंगे, ठीक है चलो देखते हैं, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए प्लैनेट Q
कैन बी फाउंड, ऐसे लिख देते हैं थोड़ा आसान करने के लिए, कैन बी फाउंड बाय मेकिंग इट्स टोटल एनर्जी जीरो। हम निकाल सकते हैं आर का एक्सप्रेशन लेके वहां का काइनेटिक एनर्जी पहुंचा, दोनों को जोड़ के कर सकते हैं, बट बाय मेकिंग इट्स टोटल एनर्जी जीरो। हम जानते हैं कोई बॉडी एस्केप कब कर जाता है, जब उसका टोटल एनर्जी जीरो हो जाता है। लेकिन सैटेलाइट के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस टू के, नहीं पोटेंशियल एनर्जी माइनस टू के है, और पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तब बढ़ेगा जब वो दूर जाएगा या पास आएगा, बदलेगा नहीं, उसको तो भगाना हमारा मकसद है। तो क्या करेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकते हैं कैसे, उसमें एक ब्लास्ट करवा दो, है ना, मान लो कि इसके सैटेलाइट के पीछे कोई बॉम्ब ब्लास्ट कर गया, तो मोमेंटम से उसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो स्पीड बढ़ाना है तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, पहले के था, अब कितना करना पड़ेगा, टू के, तभी जाके जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी को डबल करना पड़ेगा, तभी जाके ये टोटल एनर्जी जीरो होगा और भाग जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? yes. टोटल एनर्जी को जीरो करने के लिए काइनेटिक एनर्जी को डबल करना पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो तब डबल होगा जब वेलोसिटी बिकम्स रूट टू टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर। सो इफ द वेलोसिटी ऑफ ए ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट इज मेड और इंक्रीज्ड रूट टू टाइम्स और मेड रूट टू टाइम्स, तो क्या होगा, वो वहां से भाग जाएगा और काइनेटिक एनर्जी को डबल कर देंगे, वो वहां से भाग जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फॉर दिस एज एज इन द ऑर्बिट, एज इन द ऑर्बिट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर फॉर एस्केपिंग, एस्केप करने के लिए काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी मेड डबल, मस्ट बी डबल्ड फॉर दिस वेलोसिटी मस्ट बी मेड एटलीस्ट रूट टू टाइम्स, उससे ज्यादा करोगे तो भाग जाएगा, एटलीस्ट रूट टू टाइम्स करना। कम करेंगे वेलोसिटी को तो क्या होगा, सोचेंगे तो तब क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स कम, थोड़ा पहले तो थोड़ा निकल जाएगा बाहर, वो तो देखेंगे, विल कम टू दैट। अगर एस्केप वेलोसिटी से कम हुआ, एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, वो सारा चीज देखेंगे, है ना। लेट इट फॉलो डिफरेंट पाथ्स, इट शुड बी मेड रूट टू टाइम्स। तो क्या लिखेंगे, रूट टू का वैल्यू कितना होता है, 1.418, जिसको आप 1.42 कहो, रूट टू का वैल्यू, मतलब वेलोसिटी को वन, पहले अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी भी जीरो था, अब हो जाना चाहिए 1.42 भी जीरो। काइनेटिक एनर्जी को कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा डबल करने के लिए, 100% बढ़ाना है, तो काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय 100%, वेलोसिटी हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय 42%। अगर कोई एक ऑर्बिटल वेलोसिटी, पार्टिकल का ऑर्बिटल वेलोसिटी को 42% बढ़ा देंगे तो वहां से भाग जाएगा। समझ में आया क्या, ये वैल्यूज को याद रखना, रूट टू का वैल्यू 1.42 होता है, तो क्या लिखेंगे, दस फॉर एस्केपिंग फ्रॉम द ऑर्बिट, फ्रॉम ऑर्बिट वेलोसिटी मस्ट बी मेड एटलीस्ट, वेलोसिटी मस्ट बी इंक्रीज्ड एटलीस्ट बाय इंक्रीज्ड एटलीस्ट बाय कितना, 42%। वैल्यू याद रखना, वो ये पूछेंगे बताओ एस्केप करवाने के लिए काइनेटिक एनर्जी को कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए, डबल करना है, जो था वो डबल हो जाएगा, मतलब 100% बढ़ाना है, वेलोसिटी को कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए, 42%। समझ में आया क्या, ठीक है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पॉइंट, अब कोई सैटेलाइट चल रहा है, कैसे चल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे, ये है कोई प्लैनेट और यहां से कोई चीज को फेंके और गया, ऐसे चलते रहा, मतलब इट इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग। जब ये कंटिन्यूअसली चल रहा है उसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है, द ओनली फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कोई दूसरा फोर्स नहीं। एंड रिमेंबर,
व्हाट व्हेन यू कॉल ए बॉडी एज ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये पेन को आप फ्रीली फॉलिंग कब कहोगे? सीधा छोड़ दोगे और गिरेगा तो हम कहेंगे फ्रीली फॉलिंग हो नहीं, तो कब कहेंगे? डिफिनेशन बनाते हैं इसका, ये बॉडी इज सेड टू बी ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, सिर्फ एमजी आ रहा है और कोई दूसरा फोर्स नहीं है तो गिरेगा ही गिरेगा। तो यहां पर क्या फोर्स आ रहा है? ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। सो एवरी सैटेलाइट इज ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, वो कंटिन्यूअसली गिर रहा है, समझ में आ रहा है? आप जब कोई बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंक देते हो, क्या ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है? यहां से कोई चीज को फेंक दिया ऐसे गया, क्या ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है? यस, ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग, इट्स ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में जो एक्सीलरेशन होता है वो जी होता है, मींस टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है। अब सोचो कि जस्ट थिंक कि सपोज यहां पर कोई एक वेइंग मशीन है, आप किसी वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो, ये क्वेश्चन किसी एक पुराने एंट्रेंस में आ चुका है, किसी एक गॉन से इसको फायर कर दिया गया आपको वेइंग मशीन के साथ। अभी क्या हुआ, ये जो पहलवान यहां पर वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा था, ये उसके ऊपर बैठे हुए उड़ने लगा, इसे उड़ते 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 जा रहा है। जब ये रास्ते में से जा रहा है, व्हाट विल बी द रीडिंग इन द वेइंग मशीन? अगर इसका मास एम है तो हम जानते हैं व्हाट इज रीडिंग इन द वेइंग मशीन, इट इज द फोर्स विथ व्हिच यू आर प्रेसिंग द मशीन, द नॉर्मल रिएक्शन। हमें देखना है नॉर्मल रिएक्शन ऑन द मैन, मैन का वेट क्या है? एमजी। और नॉर्मल रिएक्शन कुछ तो है, वो निकालना है ऊपर की तरफ है, और क्या है? क्योंकि इसके ऊपर एक्सीलरेशन जी है तो सूडो फोर्स भी तो ऊपर की तरफ है, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन? जीरो है कि नहीं? तो फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी वेट इज, अपरेंट वेट इज जीरो, इसलिए कहते हैं कि फ्रीली फॉलिंग बॉडीज आर वेटलेस। बट फ्रीली फॉलिंग का मतलब हम लोग समझते हैं कि सीधा गिरेगा, ऐसा नहीं, ये भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। तो हमारा जो सैटेलाइट है वो भी तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी हुआ। तो व्हाट इज द वेट ऑफ ए बॉडी इन द सैटेलाइट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ प्लैनेट? जीरो। तो सैटेलाइट के अंदर जितने भी सारे चीजें हैं उनका वेट क्या है? जीरो है, कोई वेट है नहीं। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो वो लिखेंगे उसका जो एनर्जी लॉस होगा, इसका एनर्जी लॉस होगा, एक्सीलरेशन डायरेक्शन में मूव करेगा तब ना, एक्सीलरेशन है ना। हाँ तो है, तो क्या है उसके लिए वर्क डन या एनर्जी चेंज नहीं होगा? एक्सीलरेशन होने से फोर्स होता है, लेकिन फोर्स होने से वर्क होगा कोई जरूरी है क्या? नहीं, सेंट्रीपेटल फोर्स से कोई वर्क नहीं होता है ना ये। और वैसे भी उसका डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट इज फिक्स्ड, इट इज रिमेनिंग एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस, ऑर्बिट में घूम रहा है। तो क्या लिखेंगे? ए सैटेलाइट, ध्यान रखना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इज ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्यों ऐसे कहे हम? क्योंकि उसके ऊपर ओनली फोर्स है, क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई दूसरा फोर्स नहीं है। सो एवरीथिंग इन ए सैटेलाइट फील्स वेटलेस इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड में हर चीज वेटलेस होगा। मैं आपको उस दिन ऐसे ही पूछ रहा था कि जब आप अर्थ पे हो और यहाँ पे कोई मून पे खड़ा है और किसी एक वेइंग मशीन पे खड़ा है, तो वेइंग मशीन में कुछ रीडिंग आ रहा है और आप जानते हो कि मून इज इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, तो मून के चलते उसके ऊपर कोई खिंचाव आ रहा था, आ रहा होगा, अर्थ के लिए भी आ रहा होगा। जो रीडिंग है वेइंग मशीन का, व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन ऑन मून, जो रीडिंग आ रहा है वो किसके लिए है? मून के लिए है कि अर्थ के लिए है कि दोनों के लिए है? मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट, तो मून पे हर एक चीज अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड में वेटलेस है, अर्थ के लिए उसका कोई वेट रीडिंग में नहीं आएगा क्योंकि वो घूम रहा है, मून के लिए खाली आएगा। आर यू गेटिंग? सो जो रीडिंग आएगा इट इज ओनली ड्यू टू मून, नॉट ड्यू टू अर्थ। व्हाई? बिकॉज मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट, वो तो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, समझ में आया? व्हेन अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन ऑन मून, द रीडिंग इन द मशीन इज ओनली ड्यू टू मून, नॉट ड्यू टू अर्थ, क्योंकि वो घूम रहा है। अगर मून को कैसे कैसे हम रोक सकते हैं, तो फिर अर्थ का भी फोर्स आएगा, मून का भी फोर्स आएगा, दोनों आएगा, नहीं?
तब तो फिर दोनों गिरेंगे भी, अलग बात है। दूसरी चीज में पूछा था आपको कि वे यू नो दिन के 12 बजे समंदर में बड़े बड़े टाइड्स नहीं आते हैं, जबकि रात की 12 बजे बड़े बड़े टाइड्स आते हैं, फुल मून नाइट में आते हैं। और जबकि सौन दूर पे है ठीक है, लेकिन काफी बड़ा है, मून पास में है, चंदा मामा पास में है, और चंदा मामा का जो फोर्स है ना यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है ड्यू टू मून, और ये जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है ड्यू टू सौन, आप देखोगे सौन का ग्रेविटेशनल फील्ड इज 375 टाइम्स दैट ऑफ मून, जबकि दिन के 12 बजे बड़े बड़े टाइड्स नहीं आते, रात की 12 बजे आते हैं। व्हाई? बिकॉज दिस अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, एवरीथिंग ऑन अर्थ इज वेटलेस इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सन। सन हमारा भी जो वेट आ रहा है वो सिर्फ अर्थ के लिए आ रहा है, सन के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि अर्थ तो घूम रहा है। आर यू गेटिंग? तो वही चीज है। तो रात में मून के चलते ज्यादा फोर्स आता है, तो यहाँ पर बड़े बड़े टाइड्स आते हैं, जबकि सौन के लिए नहीं आता है, क्योंकि एवरीथिंग ऑन अर्थ फील्स वेटलेस इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सन। क्या मैं समझा पा रहा हूं? अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? यस। अभी कोई सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट घूम रहा है, व्हाट आर द थिंग्स कॉन्स्टेंट? लेट अस When a satellite is in circular orbit, around a planet, what are things constant? Following things are constant. चलिए आप बताइए क्या क्या चीज है कांस्टेंट, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? Yes. कैसे वेलोसिटी कांस्टेंट होगा भाई? वेलोसिटी ये वेक्टर, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट। हाँ, रेडियस तो कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट। क्या मोमेंटम कांस्टेंट है? नो। क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट है? नहीं, डायरेक्शन बदल रहा है ना, जब वो यहाँ पे था एक्सीलरेशन ऐसे था, यहाँ पे था एक्सीलरेशन ऐसे था, एक्सीलरेशन इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट। और क्या कांस्टेंट है? क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है? हाँ, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। वेट तो जीरो हुआ भैया। हाँ तो ठीक है, अब वो भी बोल सकते हो वेट जीरो तो कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी वो भी कांस्टेंट है। क्या पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है? यस, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। क्या 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 उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है कि नहीं, सोचो तो। एंगुलर मोमेंटम बदलता कब है? हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर, व्हेन देयर इज एन एक्सटर्नल टॉर्क। अब देखो वो जो सैटेलाइट है उसके ऊपर जो भी फोर्स आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है? इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्लैनेट। ये है प्लैनेट। यहां पर कोई सैटेलाइट घूम रहा है ऐसे, और उसके ऊपर जो फोर्स आ रहा है ऐसे, दैट फोर्स विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। करेगा क्या? नहीं करे, तो कोई टॉर्क नहीं है, तो देयर विल बी नो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। व्हेन यू थ्रो ए प्रोजेक्टाइल, क्या उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है? हम लोग क्या करते हैं जब प्रोजेक्टाइल मोशन एनालिसिस करते हैं, बच्चों वाली हरकत करते हैं, हम सोचते हैं कि अर्थ ऐसा, यहां से कोई चीज को फेंक दी, वो गया ऐसे, ऐसे गिरा और रास्ते में हर जगह उसका वेट ऐसे था, और हम कहते थे कि हाँ ये डिस्टेंस बदल रहा था, मोमेंटम निकाल रहे थे। लेकिन सोचो तो, बहुत बड़ा है प्रोजेक्टाइल की बात सोचो, आज का सरफेस ऐसा नहीं है, आज का सरफेस ऐसा नहीं है, ऐसा है आज का सरफेस, यू से द सरफेस ऑफ अर्थ इज लाइक दिस, यहां से कोई चीज को फेंके। व्हाई आई एम टेलिंग दिस, दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, ठीक है? हम यहां से कोई चीज को फेंके, वो गया ऐसे 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 करके अभी गिरने लगा है, सपोज आके गिरा भी, यहां पे मान लो गिरा भी, है ना, तो यहां पे वो जो सैटेलाइट था उसके ऊपर फोर्स किधर को आ रहा था? इट वॉज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। जब वो यहाँ पे था इट वॉज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, जब वो यहाँ पे था तभी इट वॉज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। दैट मीन्स द टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ वॉज जीरो, नहीं, सो द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ इज ऑल्सो जीरो, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आता है, जब क्वेश्चन आएगा टिपिकल क्वेश्चन हम बताएंगे, तो ध्यान रखना है कि अब तब अगर निकालना पड़ेगा व्हाट इज द वेलोसिटी द हाईएस्ट पॉइंट, आपको देखना है यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम था अबाउट द सेंटर
यहां पर भी एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर सेम है, तो वहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आया? अच्छा ठीक है। तो ये हम देख लिए अभी रिगार्डिंग दिस। नाउ लेट अस सी अबाउट नियर अर्थ सैटेलाइट्स, पॉइंट नंबर 7। अभी अभी हम लोग देखे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट ऑफ ए नियर प्लैनेट सैटेलाइट, थोड़ा सा बदल रहा हूं टर्म बता रहा हूं, ऑफ ए नियर प्लैनेट सैटेलाइट। क्या मतलब है नियर प्लैनेट सैटेलाइट? मतलब वो प्लैनेट की आसपास घूम रहा है। मान लो कि ये है आपका प्लैनेट, कोई सैटेलाइट इसके आसपास घूम रहा है, कोई ड्रोन कैमरा अमेज़न वाले भेजे वो यहाँ पे घूम रहा है, तो सैटेलाइट नहीं कहेंगे। सैटेलाइट है क्या? हो नहीं हो तो कंट्रोल होता है। ऐसा कोई चीज हो कि आग के आसपास घूम रहा है, जैसे हम लोग बहुत सारे स्पाई कैमरा छोड़ते हैं, सैटेलाइट छोड़ते हैं, वो घूमते रहता है ना। अमेजन वाले भी जो ले रहे हैं वो सैटेलाइट फोन से, सैटेलाइट कैमरा से ही लेते हैं फोटो वगैरह, ठीक है ना। तो उसमें नियर अर्थ सैटेलाइट मतलब प्लैनेट के पास पास की सैटेलाइट, मतलब रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आर। इक्वल होगा तो सर दीवार पे नहीं टकराएगा घर का? अरे उतना भी इक्वल नहीं, ये है 3200 किलोमीटर। मान लो कि दिस इज समथिंग लाइक 3220 किलोमीटर, हो गया ना। हाँ 20 किलोमीटर ऊपर घूम रहे हो, हाँ तो 3200 के सामने 20 का क्या मायने रहता है? तुम अगर कोई चीज खरीदने जाओगे 3220 बोलेगा, 20 रुपया दोगे क्या? नहीं दोगे ना। अच्छा चलता है वो, इट इज अंडरस्टूड, 20 रुपीज का कोई मतलब ही नहीं। तो हम इसको कहेंगे नियर प्लैनेट सैटेलाइट। नियर प्लैनेट सैटेलाइट आप कह सकते हो रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लैनेट, मतलब आर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कैपिटल आर। नाउ व्हाट वाज द एंगुलर वेलोसिटी फॉर ए नियर प्लैनेट सैटेलाइट? लिखना था, ये एंगुलर वेलोसिटी लिखने की जरूरत नहीं था, स्टेटमेंट थोड़ा गड़बड़ हो गया है। फॉर ए नियर प्लैनेट सैटेलाइट, फॉर ए नियर प्लैनेट सैटेलाइट, कोई सैटेलाइट जो कि प्लैनेट के पास पास घूम रहा है, ज्यादा करेक्शन करेंगे इट विल किल मोर टाइम। फॉर ए नियर प्लैनेट सैटेलाइट रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो फिर इसका एंगुलर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, याद है क्या आपको? नहीं सर, इतना जल्दी याद रखते थे पढ़ने थोड़ी आते। क्या था वो? जीएम बाई आर था हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी बाई आर मतलब जीएम बाई आर क्यूब था, है कि नहीं। अब यहां पर स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर है, नहीं स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर है। तो हम देखेंगे कि एम क्या है, एम इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट। डी क्या है? डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया एम। और अगर हम वैल्यू डाले तो ये हो गया 4/3 पाई जी एम के जगह आर क्यूब डी बाय, ये हो गया स्मॉल आर क्यूब। अगर स्मॉल आर कैपिटल आर की बराबर है तो क्या मिलेगा? दिस इज ए कॉन्स्टेंट। सारा तो कट पीट गया। मान लो कि आपके सरफेस से 10 किलोमीटर हाइट में कोई सैटेलाइट घूम रहा है, 20 किलोमीटर हाइट में कोई सैटेलाइट घूम रहा है, 5 किलोमीटर हाइट में कोई सैटेलाइट घूम रहा है, सारे का एंगुलर वेलोसिटी सेम है। समझ में आ रहा है क्या? तो हम क्या कहेंगे, इट इज कमिंग आउट टू बी 4/3 पाई जी डी का रूट ओवर, इज ए कॉन्स्टेंट। सो ऑल नियर प्लैनेट सैटेलाइट्स हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी डिफरेंट ओमेगा इनटू आर, बट ये जो आपका लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी है सबका बराबर है। समझ में आ? वो पूछेंगे दो प्लैनेट्स का बराबर डेंसिटी है और एक का रेडियस कैपिटल आर है, एक का रेडियस स्मॉल है, स्मॉल आर है, और दोनों का पास पास घूमने वाले सैटेलाइट का एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो बताओ। दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस, नियर प्लैनेट सैटेलाइट है।
तो इट डिपेंड्स ऑनली ऑन दी डेंसिटी, ये चीज याद रखना। तो स्टेटमेंट थोड़ा सा काट पीट के रेडी किया तो फिर से पढ़ देता हूं। फॉर ए नियर प्लैनेट सैटेलाइट, फॉर ए नियर प्लैनेट सैटेलाइट, यस रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, है कि नहीं, ये चीज है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो फिर ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया, ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, इट इज कमिंग आउट टू बी 4/3 πgd। समझ में आया क्या, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इट इज ए कॉन्स्टेंट, मतलब अगर ये अर्थ है तो यहां पे घूमने वाली चीज और यहां पे घूमने वाली चीज दो की पास पास है, जो कि सरफेस के पास पास है, दोनों का एंगुलर वेलोसिटी आपको बराबर मिलने वाला है। समझ में आया, अंडरस्टूड, ये आता है क्वेश्चन इसलिए मैं बताया। नाउ लेट अस सी अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ए सैटेलाइट which appears to be at rest from surface of earth is called a geostationary satellite. मतलब एक सैटेलाइट है जो कि लगेगा कि रेस्ट में, आप मान लो ये आप यहाँ पे खड़े हो, जब भी देखते हो सुबह आके देखते हो कि सैटेलाइट वहीं पे आपकी सर के ऊपर है, हाउ कम इट इज पॉसिबल, अगर ये घूम रहा है जब भी देखोगे आपके सर के ऊपर कैसे दिखेगा, तब दिखेगा क्योंकि अर्थ भी तो घूम रहा है, आप जितना स्पीड में घूम रहा है अगर वो भी उतनी स्पीड में घूम रहा हो तो सोचो, अर्थ अपनी चारों तरफ घूम रहा है, ये जितना जोर से घूम रहा है वो भी उतने जोर से घूम रहा है, तो हरदम आपके सर के ऊपर ही रहेगा वो, है कि नहीं। तो कोई सैटेलाइट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कब कहेंगे, जब उसका एंगुलर वेलोसिटी सेम एज एंगुलर स्पिन ऑफ अर्थ, है कि नहीं। तो कहेंगे फॉर ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, फॉर ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी इज सेम एज एंगुलर स्पिन ऑफ अर्थ, अर्थ का एंगुलर स्पिन की बराबर है, ठीक है, सेम एज एंगुलर स्पिन ऑफ अर्थ। समझ में, अब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यू नो इट इज 2π/24 रेडियन पर आवर, तो सैटेलाइट का भी एंगुलर वेलोसिटी वही होना चाहिए, और दोनों वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी जो वेक्टर, दोनों वेक्टर बराबर होने के लिए उनका मैग्नीट्यूड बराबर होना काफी नहीं है, उनका डिरेक्शन भी बराबर होना जरूरी नहीं। अच्छा, तो डिरेक्शन बराबर होना जरूरी है, मतलब अगर कहेंगे कि अर्थ घूम रहा है ऐसे वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, तो जो सैटेलाइट है उसको भी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमना घूमना जरूरी है, नहीं। अच्छा, वो भी वेस्ट की ईस्ट के, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमेगा, सोचो तो हम कहेंगे ये है कोई प्लैनेट, पहले विजुअलाइज करने की कोशिश करो, मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर ये अर्थ है और अर्थ ऐसे घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पिन ऑफ अर्थ, यू नो इट इज 2π/24 रेडियन पर आवर, ये सबको मालूम, यहाँ पर कोई सैटेलाइट ऐसा एक ऑर्बिट में घूम रहा है, सोचो ए सैटेलाइट इज मूविंग इन एन ऑर्बिट लाइक दिस, ऐसे ऐसे घूम रहा है, क्या एंगुलर स्पीड में, सेम एज दिस, इसका ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, क्या आपको दिख रहा है कि ये कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल केस है,
क्यों ये तो हो सकता है अलग अलग हाइट में अलग अलग होता है इफ यू टेक सुइटेबल हाइट तो फिर एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा सोचो जब वो ऐसे घूम रहा था इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा था वो किधर को आ रहा था इट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी सेंटर है कि नहीं ये फोर्स अब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है ये फोर्स का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे काम कर रहा है और जो दूसरा कंपोनेंट है दैट दूसरा कंपोनेंट इज समथिंग लाइक दिस है कि नहीं ये फोर्स का ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जीएमएम बाई आर स्क्वायर उसका एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे काम कर रहा है ये कंपोनेंट इधर को कर रहा है तो क्या होगा अगर सैटेलाइट को हम यहां पर इस ऑर्बिट में फेंक दिए तो ऐसे तो घूमेगा घूमेगा लेकिन धीरे 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 फोर्स के चलते नीचे आएगा जब वो आके यहां पे पहुंचेगा तब उसके ऊपर जो फोर्स आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स वो ऐसा है क्या अभी वो नीचे या ऊपर लेने की कोशिश करेगा दिस ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं मतलब कोई भी एक सैटेलाइट को अगर हमें जियोस्टेशनरी सैटेलाइट बनाना है तो उसको ऐसे घूमना चाहिए ऐसे मतलब अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन घूमना जरूरी है आर यू गेटिंग क्योंकि अगर यहां पर रखेंगे तो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट इसको नीचे ले आएगा यहां पर रखेंगे फोर्स का कोई कंपोनेंट इधर या इधर को नहीं तो सारे के सारे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कहां पर रहते हैं अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन और इक्वेटर क्लोजली पासेस टू श्रीहरिकोटा और वहां से सारे सैटेलाइट इसलिए लॉन्च किया जाता है इट इज इजी टू लॉन्च देम इन द ऑर्बिट समझ में आ रहा है इट इज 22 किलोमीटर इन द सी वो वहां पर से इक्वेटर पास करता है आप जाते हो इंडिया का ज्योग्राफी तो आप लोग देखे हो श्रीहरिकोटा नहीं 22 किलोमीटर इन द सी वहां पर इक्वेटर है जाता है जहां से लॉन्च करना आसान होता है ठीक है तो ये बात हुआ तो इसके बारे में हम लिखेंगे कोई एक ऑर्बिट को हम स्टेबल ऑर्बिट कब कहेंगे बेटा क्यों बच्चे कुछ लिखेंगे बाद में हाँ चलो देखते हैं बिट नंबर 3 एनी ऑर्बिट कैन बी कंसीडर्ड एज ए स्टेबल ऑर्बिट इफ इट इज कॉन्सेंट्रिक विथ अर्थ ध्यान रखना अगर हम कहेंगे ये है अर्थ ये है अर्थ तो देखो मैं आपको अभी ढेर सारे ऑर्बिट दिखा रहा हूं आपको बताना ऐसा ऐसा ऑर्बिट पॉसिबल है कि नहीं पहला तो एक ऑर्बिट दिखाया जैसे मैं अभी दिखाया ऐसे है ना ये एक ऑर्बिट दिखाया और ऐसा ये एक ऑर्बिट दिखाया और ऐसा ये जो तीन ऑर्बिट में दिखाया ए बी सी बताओ इनमें से कौन सा स्टेबल ऑर्बिट है कौन सा अनस्टेबल ऑर्बिट है बी एंड सी आर स्टेबल बिकॉज द सेंट्रीपिटल फोर्स इज स्ट्रेट वे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ये दोनों स्टेबल हो गया ये अनस्टेबल हो जाएगा ऐसा कोई ऑर्बिट में सैटेलाइट नहीं घूम सकता किसी भी एक ऑर्बिट में फेंक दोगे तो घूमेगा क्या नहीं 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 वो दैट ऑर्बिट मस्ट बी कंसेंट्रिक विद द प्लैनेट अगर हम बात करें जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के लिए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के लिए फिर और भी तो जरूरी है कि एंगुलर वेलोसिटी हैज टू बी सेम एज एंगुलर स्पिन ऑफ अर्थ इट हैज टू बी अराउंड द इक्वेटोरियल प्लेन क्योंकि कोई चीज ऐसे घूम रहा है सैटेलाइट तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा अर्थ का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा दोनों बराबर तब होंगे जब इक्वेटोरियल प्लेन में वेस्ट टू ईस्ट घूमेगा समझ में आ रहा है ठीक है तो हम कहेंगे बी एंड सी हो गया स्टेबल ऑर्बिट ए इज अनस्टेबल ऑर्बिट ये आपको समझ में आ गया बिट नंबर 4 फॉर ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट द ऑर्बिट इज along equator and orbital angular velocity is same age angular spin of earth समझ में आ रहा है क्या
एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को अपना ऑर्बिट में एक बार घूम के आने के लिए कितना समय लगता होगा? जितना अर्थ को लगता है, दोनों का एंगुलर वेलोसिटी बराबर 24 आवर्स है, दोनों का एंगुलर वेलोसिटी बराबर है। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ एक बार घूमने की घूम के आने के लिए कितना समय लगेगा? नहीं तो घूम ही नहीं रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के साथ चल रहा है, अर्थ को कैसे कवर करेगा वो? अर्थ को कवर नहीं करेगा। हम क्यों यूज करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? मान लो कि मुझे क्या हो रहा है किसी एक फॉरेस्ट में या किसी एक लोकेशन में भी यूक्रेन का वार वगैरह चल रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है पकड़ के रखना है, तो कोई एक सैटेलाइट उसके ऊपर स्टेशनरी होना जरूरी है तभी ना जाके। तो वो सारे जो कैमरा है वो कहां पर होंगे? जहां पर वो इक्वेटोरियल जोन है और कहीं हो नहीं सकते। या फिर मान लो कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, मतलब क्या करते हैं कि अगर हम यहां से कोई एक सिग्नल देते हैं, सपोज वी सेंड ए सिग्नल, रेडियो सिग्नल समवेयर हियर, तो जो आप एफएम वगैरह सुनते हो, रेडियो मिर्ची धूम मीठा वो सब जो सुनते हो, वो सब में क्या होता है, ये जो सिग्नल जाता है ये दे आर ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे गो अलोंग स्ट्रेट लाइन, वो ऐसे आके ऐसे मुड़ेंगे नहीं, वो ऐसे सीधे निकल जाएंगे। ये एवरेज रेंज है कि अप टू 80 किलोमीटर आप उसको सुन सकते हो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे वो सुनना पड़ेगा तो यू हैव टू गो फॉर बिग एंटीना, एंटीना लगाओगे तो पकड़ के समझ में आएगा, क्योंकि अर्थ का भी तो कर्वेचर है, फिर इतना हाई हो जाता है सुनाई नहीं देता। तो हम लोग करते क्या है, ये इसके लिए फिर यहाँ पर एक दूसरा था रिसीवर बैठाते हैं, वो रिसीव करता है फिर सेंड करता है, इधर फिर रिसीव करता है सेंड करता है, ऐसे करके वाइड रेंज को कवर करते हैं। सैटेलाइट में क्या होता है, यू स्ट्रेट वे सेंड द सिग्नल टू ए सैटेलाइट, यहाँ पर जो स्टेशनरी है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, और यहाँ से वो जब सिग्नल भेजेगा इट कैन कवर ए वाइड रेंज, है कि नहीं, खर्चा कम हो गया कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग सैटेलाइट को यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन, फॉर स्पाइंग, है ना, ये सब चीजों के लिए, किस चीज का फोटो लेना है कंटिन्यूसली तो वो करने के लिए, जैसे हम सैटेलाइट से सीसीटीवी लगा दिए सोचो अर्थ का किसी पॉइंट से फोटो देखने के लिए। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मोस्टली किसी काम में आता है, फॉर कम्युनिकेशन में ये मोस्टली यूज होता है, ठीक है, दीज आर मोस्टली यूज फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, यूज्ड एज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन का क्या बेनिफिट है कोई पूछ रहा है यार, कम्युनिकेशन का बेनिफिट तो बेनिफिट है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लास तो कैसे कर रहे हैं। पोलर सैटेलाइट होता तो क्या होगा, घूमेगा खाली, वेदर चेक करेगा, वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट भी तो होता है, नॉर्थ में ये हो रहा है साउथ में ये हो रहा है, सैटेलाइट घूमते घूमते फोटो भेज रहा है, हम लोग देख के पता कर लेते हैं। ऐसे डिफरेंशिएट हुआ कैसे, क्या मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जनरली कम्युनिकेशन होता है? अरे जियो स्टेशनरी में कम्युनिकेशन नहीं होता है, कम्युनिकेशन के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हम लोग सैटेलाइट को रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए हमारा सैटेलाइट हमारे ऊपर रहे, अगर हमारा सैटेलाइट घूमते घूमते पाकिस्तान से होते हुए जाएगा खींच लेगा ना वो, छोड़ेगा नहीं। इसीलिए तो इंडिया के इतने सारे सैटेलाइट है, इट्स ए वेरी रिलायबल कंट्री, है ना, मोदी जी आने के बाद और भी रिलायबल हो गया। सारे देश चाहते थे कि ये अपना सैटेलाइट लॉन्च करे, ठीक है ना, तो पता चला कि हम सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। हम लोग क्या बनाए, सिर्फ लॉन्च व्हीकल्स, PSLV, ASLV, GSLV, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तो बोले मेरा सैटेलाइट लेके छोड़ देगा ऊपर, क्योंकि इक्वेटर में ही तो रखना है, इधर उधर तो नहीं रख सकता, हर एक कंट्री में इक्वेटर नहीं जाता है, बोले मेरा सैटेलाइट थोड़ा छोड़ दो इक्वेटर से उतना रेंज कवर। हाँ, अरे रेंज क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ो तो चलते जाता है, चलते जाते उसके रेंज के बारे में क्या कहना है। तो हम सैटेलाइट छोड़े, चलो ठीक है हम गाड़ी बना के लेके तेरे छोड़ देंगे, मेरा गाड़ी का खर्चा दे दे, वो GSLV का खर्चा दे दिया। अब जब उसके आलू की बोरा लेके फेंकोगे, अपना थोड़ा सा भी कुछ तो फेंक सकते हो, खल तो फेंकना है वहां पर जाके, अपना जो भी फेंका वो घूमते रहा वहां से, है कि नहीं, ये बात है। तो इसलिए इंडिया का सबसे ज्यादा सैटेलाइट था, मोस्ट रिलायबल कंट्री, बहुत कम देश आते हैं जो कि इक्वेटर के पास आते हैं, मोस्टली पासेस थ्रू द सी, है ना, तो लोग इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं। बीच में बिल गेट्स आया था, बिल गेट्स की कहानी सुने होंगे, ही आस्क्ड कि मैं आप लोगों को पूरा वर्ल्ड को 200 सैटेलाइट फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा और आप लोग सारा अपना अपना सैटेलाइट गिरा दो, ऐसा बोला, फ्री ऑफ कॉस्ट 200 सैटेलाइट दूंगा, कितना पैसा होगा यार उसके पास, नहीं 200 सैटेलाइट फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, फुल खुद अपना जेब से, लेकिन कोई देश राजी नहीं हुआ, क्योंकि सोचे कि अगर दे देगा क्या मालूम चालाक आदमी अपना कोई रिमोट कंट्रोल रख देगा, रिमोट दबा दिया मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन काम नहीं कर रहा, अभी तो सारा कुछ कम्युनिकेशन से हो रहा है, दिल्ली में कुछ हुआ तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यहाँ पर व्हाट्सएप में आ जाता है कि नहीं, तो सो कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, तो कोई नहीं दिया, पता नहीं था कि वो ऑनेस्टली बोल रहा था करने के लिए, कोई राजी नहीं हुआ, बाद में क्या किया हो, सारा अपना संपत्ति जो है देश को डोनेट कर दिया, भिखारी बन गया। नाउ ही इज नॉट ए पर्सन वर्किंग फॉर मनी और एनीथिंग, जस्ट एग्जिस्टिंग।
समझ में, सारा एंटायर प्रॉपर्टी डोनेट कर दिया फॉर नेशन, दे दिया इतना पैसा कमाने के बाद। अगर यही करना था तो पहले छोड़ देता। नहीं 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 ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें भी कुछ कुछ दे देता यार। तुम लोग ना कोचिंग पढ़ने आते ना हम कोचिंग पढ़ते, एक सैटेलाइट में तो पूरा उड़ीसा का उधार हो जाता सारे बच्चों का। नहीं कम पैसा होता है। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी होता है सैटेलाइट का, ये एंगुलर स्पिन ऑफ अर्थ के साथ बराबर है, दैट इज 2π/24 रेडियन पर आवर। कोई पूछेगा बताओ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है? ठीक है लिखते हैं। हम तो मालूम है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो gm/rq है, तो हम कहेंगे रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर करो आर क्यूब, ये हो गया gm/ω² स्क्वायर का क्यूब रूट और टू दी पावर 1/3। ये याद रखना, समझ में आया। अब किसी एक प्लैनेट का अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जानना है, रेडियस जानना है, तो मास ऑफ प्लैनेट मालूम होना चाहिए और ये ओमेगा वगैरह मालूम होना चाहिए, तो आप निकाल सकते हो अर्थ का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का रेडियस क्या होगा, हम जान सकते हैं यहाँ से। तो ये अक्सर पूछते हैं कि किस काम में लगता है, दीज सैटेलाइट्स आर मोस्टली यूज्ड एज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, समझ में आया। तो ये होगी कहानी अबाउट ऑर्बिटल वेलोसिटी। चलिए आपको एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं और बताओ शायद ये हमारा पॉइंट नंबर 9 है। अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। ए पैकेट वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सैटेलाइट। अब आपके दिमाग की पता चलेगा, सोच के बताना व्हाट इज द पाथ फॉलोड। बाय पैकेट मैं आपको फिगर दिखा रहा हूं, यहां पे ये है प्लैनेट, ठीक है मैं 2-3 फिगर दिखाऊंगा, दूसरा है ये और तीसरा है ये, ऑप्शन दे रहा हूं। एक सैटेलाइट घूम रहा था यहां से और कोई एक पैकेट को गिरा दिया, दैट पैकेट विल फॉल लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस और दैट पैकेट विल फॉल स्ट्रेट वे लाइक दिस और द पैकेट विल फॉल रैंडमली गोइंग लाइक दिस और जब ये पैकेट को गिरा दिया तो हो सकता है वो पार्टिकल विल गो लाइक दिस। मैं आपको चॉइसेस दे रहा हूं, इसमें से कौन सा पाथ फॉलो करेगा वो पैकेट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सैटेलाइट, में चॉइस दे रहा हूं। चॉइस क्या है, ए चॉइस बी चॉइस सी एंड डी इज नॉन। चलो आपके लिए बताओ कौन सा पाथ फॉलो करेगा वो पैकेट इफ इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सैटेलाइट। सोचो 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 बताओ बताओ कौन सा पाथ फॉलो करेगा, कोई ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट जा रहा था पैकेट गिरा दिया, कौन सा पाथ फॉलो करेगा वो पैकेट। सी वो मतलब वो ऊपर चले जाएगा क्या पैकेट, मैं तो पूछ रहा हूँ। सर पैकेट को ड्रॉप कर दिए सैटेलाइट से क्या होगा तुमको बताना है। नहीं सर सी ऑप्शन है क्या, सी ऑप्शन क्या मतलब टेंजेंशियली निकल गया, टेंजेंशियली निकल के भाग गया। हाँ अच्छा तो फिर डी, तो ये यहाँ से निकलेगा तो सोचो ये यहाँ से छोड़ दिए पैकेट को, पैकेट भाग गया ऐसे। डी होना चाहिए।
क्या होगा सोचो। अरे भाई ऑर्बिट में हम जानते हैं कि, अच्छा बताओ तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में बहुत सारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट हम छोड़ते हैं, सेम ऑर्बिट में छोड़ रहे हैं, कभी आपस में टकरा नहीं जाएंगे वो? क्यों नहीं टकराएंगे, कभी तो टकरा सकते हैं, इतने सारे सैटेलाइट है नहीं। अरे सारे बराबर एंगुलर स्पीड में जा रहे हैं, सबका ऑर्बिटल रेडियस बराबर है, सबका स्पीड बराबर है, तो टकराएंगे कैसे? समझ में आ रहा ना, ऑल आर मूविंग विद सेम स्पीड, क्योंकि सारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का एंगुलर वेलोसिटी सेम है, सारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट भी सेम है, आर निकाला ऑर्बिटल रेडियस, तो भी तो सबका बराबर हो गया। एक टाइम तो आएगा जब एक्सेस हो जाएगा वहां पे। हाँ तो फिर लगेगा कैसे? अब ट्रेन में इतने सारे डिब्बे जा रहे हैं कि एक डब्बा दूसरे डब्बा से टकराता है, क्योंकि ऑल आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, तो टकराएंगे क्यों, है ना। वो बोला कि इतने सारे सैटेलाइट हो जाएगा और जगह नहीं होगा, अरे तब तक तो दुनिया भी नहीं रहेगा, कितना बड़ा ये ऑर्बिट में सोचो एक सैटेलाइट कितना बड़ा होता है, और इतने बड़े बड़े सैटेलाइट रखो, कितने तो सैटेलाइट रखोगे, सम क्रोर्स ऑफ सैटेलाइट आर रिक्वायर्ड, जबकि अभी 200-300 के अंदर है हमारे, है ना। तो अब यहां से अगर कोई चीज को हम गिरा देंगे तो वो कैसे जाएगा? अरे हम बताए थे अगर ये है प्लैनेट, ये है हमारा प्लैनेट, और यहाँ पर कोई भी चीज को इस ऑर्बिट में ऑर्बिटल वेलोसिटी में फेंक देते हो तो क्या करता है, घूमते रहता है ना। तो ये जो पैकेट गिरेगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, सेम एज ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि ऑर्बिट में अंदर था, तो फिर वो क्या करेगा, दैट विल कीप ऑन मूविंग, इट विल नॉट फॉल ऑन टू द प्लैनेट, वो ऐसे घूमते ही रह जाएगा, ड्रॉप करोगे तो क्या होगा, उसके साथ साथ ये भी घूमते रह जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन, ऑप्शन हो गया नन, ठीक है, ऑप्शन हो गया नन। क्या बात समझ में आया सबको? और आगे अभी हमें पढ़ना है व्हाट इज केपलर्स लॉ, ठीक है, ओके। तो अगले क्लास केपलर्स लॉ पढ़ाने के लिए करीब करीब हमें 45 मिनट्स लगेगा, तो हड़बड़ी में पढ़ाने से नहीं होगा और एक साथ इतना सारा डाटा नहीं खींच सकता है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद सर, जय हिंद सर।